योगी ने रच दिया ऐसा चक्रव्यूह, अखिलेश की उड़ गई रातों की नींद। योगी के जाल में फंस गए अखिलेश, नहीं समझ पाए पूरा खेल, उपचुनाव में अब बाबा बना देंगे रे। अचानक योगी ने बदल दिया अपना रूप, देश में बढ़ गई योगी की डिमांड, दुनिया में वायरल होने लगी बाबा की वीडियो। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक दूसरे को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। हालात अब ये हो गए हैं कि जैसे ही योगी का कोई बयान आता है, अखिलेश यादव की भी वैसी ही तीखी प्रतिक्रिया सामने आ जाती है, और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अभी मठाधीश और माफिया वाली बहस चल ही रही थी कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया, और ज्यादा देर नहीं लगी सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आ गया। असल में यूपी में विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, और ये सारी लड़ाई उसी के लिए चल रही है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें अयोध्या की मिल्कीपुर और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट भी शामिल है। अखिलेश यादव की कोशिश हर हाल में दोनों ही सीटों को समाजवादी पार्टी के पास रखने की है, जबकि योगी किसी भी सूरत में अखिलेश यादव के कब्जे से ये सीटें छीन लेना चाहते हैं, ताकि अयोध्या में बीजेपी की हार का हिसाब बराबर किया जा सके। थूक वाली रोटियां और हापुड़ का जूस। जी हां, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में योगी आदित्यनाथ एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जाहिर है रेस्टोरेंट की बात होगी तो खाने पीने का जिक्र होगा ही, और जब चुनावी माहौल हो तो चर्चा राजनीतिक रंग ले ही लेती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ये अच्छी बात है कि लोगों को कम से कम हापुड़ वाला जूस या थूक लगी रोटियां नहीं परोसी जाएंगी, यहाँ जो भी परोसा जाएगा वो शुद्ध होगा। अब यहाँ पर बात भले ही सीएम योगी खाने पीने की चीजों की कर रहे थे, लेकिन वो तो बहाना था। असल में तो योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार कर रहे थे, और उसमें बड़े हिसाब से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को पिरो दिया। दरअसल कुछ समय पहले सहारनपुर के एक रेस्टोरेंट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़के को रोटी बनाते समय उस पर थूकते हुए देखने को मिला था। ऐसे ही कभी जूस में थूक तो कभी पेशाब मिलाने का वीडियो भी वायरल हो चुका है। सभी मामलों के सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। ऐसे वीडियो के वायरल होने पर काफी बवाल मचा था और राजनीतिक एंगल खोज निकाला गया था। राजनीति ये हुई कि वीडियो के जरिए सामने आई करतूत में समुदाय विशेष के लोगों के शामिल होने के आरोप लगे थे। अब चूंकि अखिलेश यादव यूपी में यादव और मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं, इसीलिए योगी सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे वीडियो के जरिए समाजवादी पार्टी को टारगेट करते रहते हैं। योगी की भाषा पर अखिलेश यादव का सवाल। अब अखिलेश यादव के पुराने बयान पर हंगामा शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल साइट एक्स पर नया पासा फेंक दिया। अब वो संतों को उनकी भाषा से पहचाने जाने की बात कर रहे हैं, ये बोलकर कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव ने संतों की नाराजगी मोल ले ली थी, अब उनकी भाषा पर सवाल उठाकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जब योगी ने मठाधीश और माफिया वाले अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि सपा नेता ने औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, तो वो सफाई देने लगे। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से सफाई दी कि न तो वो न ही समाजवादी पार्टी ने कभी किसी संत या महंत या फिर सन्यासी किसी पर टिप्पणी की है, और न ही ऐसा कभी करेंगे। बोले, मैं यही कहूंगा कि वो हमारे प्रदेश के मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, उनसे और किस भाषा की उम्मीद करें। जब से बीजेपी हारी है तब से उनकी भाषा बदल गई है, यानी कि इधर से योगी वार करते हैं तो उधर से अखिलेश पलटवार करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वार पलटवार की जंग में उपचुनाव में जीत होती किसकी है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं?